फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा होगा विचार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, फिजिक्स की दुनिया मींस वर्ल्ड ऑफ मिरेकल में आपका स्वागत करता हूं। मैं है और भी सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे है, और भी सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे कहते हैं हॉरिजन एकेडमी का अंदाजे बया, और इसीलिए तो कहते हैं हॉरिजन एकेडमी सिर्फ नाम ही काफी है। मैं जीके श्रीवास्तव हॉरिजन एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं वर्ल्ड ऑफ मिरेकल्स फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगा, एंड क्लास 12 का जो पहला टॉपिक है नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अबाउट कूलम्स लॉ, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हां बच्चों देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो हिस्सों में तोड़ा गया, ध्यान से सुनिएगा सर। पहला है इलेक्ट्रो एंड दूसरा है स्टैटिक्स, राइट? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जिसका सिंबल है क्यू, लिखा गया एन इंटू ई, जहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो इतना कूलम होता है 1.6 10^-19 कूलम, और जो एन होता है वो होता है एन इंटीजर, एन इंटीजर लाइक 1, 2, 3 अप टू सो ऑन दिस। मतलब जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मतलब जो चार्ज होगा ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। और अगर वो चार्ज रेस्ट में है और आप उसके बारे में स्टडी करते हो, सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मोटे मोटे तौर पे बोला जाता है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट ऑल द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इसको ब्रेक करके बोला जाए तो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस विच आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एट रेस्ट, और आप उसके बारे में स्टडी करते हो, सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेक्ट? अब हमने एक नए बात का, एक नए वर्ड का इस्तेमाल किया, बोला मैंने चार्ज। क्या बोला बेटा मैंने? चार्ज। तो आइए थोड़ा हम चार्ज के बारे में भी पढ़ते हैं। सर यहां लिखा गया चार्ज, चार्ज का सिंबल या तो कैपिटल क्यू होगा या तो स्मॉल क्यू होगा। चार्ज कहा गया, चार्ज वो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। सर फिजिक्स की दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन। तो तमाम पार्टिकल्स जिन पे इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन हो बेटा जी, उसे कहते हैं चार्ज। वे तमाम पार्टिकल्स जिन पे इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन हो उन्हें क्या कहेंगे आप? चार्ज। और इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन का मतलब बेटा जी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वह तमाम पार्टिकल्स जिन पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन हो उन्हें क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे, राइट? तो पहला पार्ट भैया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जी। सर लिखा गया क्यों ग्रेटर देन जीरो, एंड दूसरा बेटा सर लिखा गया नेगेटिव चार्ज जी, तो लिखा गया क्यू लेस देन जीरो। सर जी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखेंगे उनसे कुछ रेज बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी, लाइक दिस। आप देखेंगे उनसे कुछ रेज बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जिन्हें आप रे कह रहे हो उसे यहां पर रे नहीं कहते, यहां पे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहां पे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सर किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से बाहर जाती है। यस, पॉजिटिव है, बिहेवियर क्या है? डोनर है भाई, बिहेवियर क्या है? डोनर है, तभी तो पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की अट्रैक्शन कैसे होगी? आउटसाइड। और बेटा जी अगर चार्ज आपका नेगेटिव है, अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ड होगी। क्यों? नेगेटिव है भैया, एक्सेप्टर है, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा हुआ? इनवर्ड। लेने का है तो डायरेक्शन क्या होगा? अंदर होगा। देने का है डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड। कुल मिला के बात यह सर कि चार्ज वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन होता है।
अब या तो कन्वेंशन पॉजिटिव होगा या तो कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन सब फोर्सेस बाहर जाएंगी, और अगर नेगेटिव है तो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे आएंगी, अंदर आएंगी सर। इज इट क्लियर? तो चार्ज वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल कन्वेंशन होता है, राइट। पॉजिटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स से बाहर, और नेगेटिव की कैसे आती है, अंदर आती है। सर अगर पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है, सिर्फ नेगेटिव है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस आपका ऐसे ही बनेगा, राइट। तो अब तक की छोटी सी समरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट ऑल द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। All the charges means electronic charges which are integral multiple of electrons, right? And charge वे तमाम particles होते हैं जिन पर electrical convention होता है, in short जिन पर या तो positive sign हो या तो जिन पर negative sign हो। positive है इसकी line of force से बाहर जाएंगी, क्योंकि behavior donor का होता है, positive है भाई। और अगर negative है line of force अंदर आती है, क्योंकि इसका behavior कैसा होता है, acceptor होता है। is it clear? तो charge के बारे में मैंने आपको समझाया। अब charge के बारे में कुछ बातें और भी जाननी चाहिए आपको सर जी। क्या आपको पता है, आपने पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जी सर। तो अगर लिखेंगे क्यू तो लिखेंगे टी इंटू आई, टी का हो गया सेकंड और आई का कितना हो गया एम्पियर। यस सर, चार्ज की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं सेकंड एम्पियर, या हम इसे कूलम्ब भी कह सकते हैं। कूलम्ब शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे आप, सी। यस, द यूनिट ऑफ चार्ज इज सेकेंड एम्पियर, या फिर क्या कहोगे आप, कूलम। एंड ध्यान रखे सर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज लिखा गया टी एंड ए। यस, सेकेंड का हो गया टी और आई का कितना हो गया ए। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज टी ए। चार्ज क्या है, स्केलर है, सिंपल। करंट स्केलर, टाइम स्केलर, दैट्स वाई चार्ज भी क्या हो गया आपका, स्केलर हो गया। तो चार्ज स्केलर है, यूनिट सेकंड एम्पियर या कूलम होता है, एंड साथ ही साथ चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो टी इंटू ए होता है। अब सुनो भाई, कोई मैटर है, कोई पार्टिकल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है। हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे या इस मैटर पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो अगर हम किसी भी मैटर पे चार्ज के कन्वेंशन को पता करना चाहते हैं, भैया जी वो पॉजिटिव होगा या भैया जी वो नेगेटिव होगा, तो उसके लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, फेरोरेस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस की सहायता से हम पता कर सकते हैं बच्चे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है चार्ज की यूनिट स्टैट कूलम भी होती है, एसटीएटी कूलम। यस, चार्ज की यूनिट स्टैट कूलम भी होती है। क्लियर? आगे की कहानी सुनेगा भाई। अब चार्ज के बारे में आपने पढ़ लिया कि चार्ज इतने टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है ना भैया, और आपने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज के बारे में कुछ बातें और भी हैं जिसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। आपने बोला ना कि चार्ज इंडिविजुअल है, लाइन ऑफ फोर्स से बाहर जाएंगी, और चार्ज अगर इंडिविजुअल पॉजिटिव या नेगेटिव है तो पॉजिटिव से आउटसाइड और नेगेटिव से क्या होगा, इनसाइड। लेकिन अगर यही चार्ज पेयर के फॉर्म में आ जाए तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस और पेयर ऑफ चार्जेस, आगे देखते हैं सर। पहला सर लिखा गया क्यू वन ग्रेटर देन जीरो एंड क्यू टू ग्रेटर देन जीरो। सर लिखा गया इन विच मॉडुलस ऑफ क्यू वन ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ क्यू टू। लो जी हमारे पास दो चार्ज आ गया। सर कहा गया क्यू वन ग्रेटर देन जीरो, सर हमने कहा क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यह भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह भी पॉजिटिव है, और इसमें मेंशन भी है कि क्यू वन का अमाउंट क्यू टू से क्या है, बड़ा है। क्यू वन का अमाउंट क्यू टू से बड़ा। एक काम करते हैं, पहली बार थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज ये करते हैं बेटा सर, यहां पे इस वाले को चेंज कर लेते हैं। हाँ जी लो, इसको लिखते हैं सर क्यू टू लेस देन जीरो। अब थोड़ा सा चेंज हुआ, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। हाँ, जिसपे क्यू वन का अमाउंट क्यू टू से क्या है, बड़ा है। सो हाउ कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? तो उसके लिए पहली बात को समझो। आपने क्या बोला कि पॉजिटिव की लाइन ऑफ फोर्स से बाहर जाती है और नेगेटिव की लाइन ऑफ फोर्स से क्या आती है, अंदर आती है इंडिविजुअली। लेकिन अगर यही दोनों इकट्ठा आ जाए तो क्या होगा? सर लाइन ऑफ फोर्सेस डायरेक्शन ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है,
देखिए ध्यान से, ये एरो पॉजिटिव से आउटसाइड है और नेगेटिव से क्या इनसाइड है, ये एरो पॉजिटिव से आउटसाइड है नेगेटिव से क्या इनसाइड है, मतलब ये जो आपने ड्रॉ किया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लाइंस ऑफ फोर्सेस ये की डायरेक्शन करेक्ट है। तो पेयर ऑफ चार्ज में अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगी, राइट। आइए अब जरा मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं सर। आइए ये देखिए सर, ये आपका Q1 है और सर जी ये आपका Q2 है। लो जी ये आपका Q1 है, ये आपका क्या बोलो Q2 है। लाइन ऑफ फोर्सेस सर जी, लाइन ऑफ फोर्सेस को ध्यान से देखिएगा सर। जी सर, लाइन ऑफ फोर्सेस सर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गई। सुनिए सर, लाइन ऑफ फोर्स से पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, सर जी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ एंड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गई। आगे सुनिएगा सर, पॉजिटिव से आउटसाइड, पॉजिटिव से आउटसाइड, पॉजिटिव से आउटसाइड, पॉजिटिव से आउटसाइड, पॉजिटिव से आउटसाइड। और याद रखिए सर, नेगेटिव से इनसाइड, नेगेटिव के लिए इनसाइड और नेगेटिव के लिए क्या हो गया इनसाइड। पूरा देखो ध्यान से, लाइन ऑफ फोर्स से पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ गई, करेक्ट, पॉजिटिव से आउटसाइड और नेगेटिव से इनसाइड, बना लिया। सर यहां पे एक छोटी सी बात थी कि Q1 का अमाउंट Q2 से क्या है बड़ा है, आपने फिगर में कैसे रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल किया भाई, ध्यान से देखो Q1 में 1, 2, 3, 4, 5 यहां 5 बनाया, यहां पे उससे कम बनाया, कितना 3, इट रिप्रेजेंट दैट कि Q1 का स्ट्रेंथ ज्यादा है, Q2 का क्या है कम है, ये Q1 है, ये कितना बोलो Q2 है। बस सर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, बिकॉज यहां पे लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या ज्यादा है, यहां पे क्या है कम है। IIT JEE सर उनके MCQ में क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने क्या कहा कि भाई लो इन्होंने इसको मिटा दिया, ऐसे सर इन्होंने इसको मिटा दिया और लिखा भाई चलो ये आपका Q1 है और इसमें क्या बोलो Q2 है, ऐसे बना के छोड़ दिया, सर साइन नहीं दिया। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए जिनमें से एक ऑप्शन आपका ये था, ठीक है। कैसे पता चला भैया ये पॉजिटिव होगा? सर कैसे पता चला ये पॉजिटिव होगा? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, यहां से लाइन ऑफ फोर्स से कहां जा रही है? बाहर जा रही है। कैसे पता चला कि भैया जी ये वाला नेगेटिव होगा? क्योंकि सर यहां पे लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही है? अंदर आ रही है। और ये कैसे पता चला भाई कि Q1 का अमाउंट Q2 से बड़ा होगा? क्योंकि यहां पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस की संख्या ज्यादा है, यहां पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस की संख्या क्या कम है, राइट। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और दोनों के अमाउंट अलग अलग हैं, तो हम इस तरह से लाइन्स ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पर सोचो, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, करेक्ट, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम होती Q1 = Q2, तो जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स आपने यहां ड्रॉ की ना उतनी आपको यहां ड्रॉ करनी पड़ती। हाँ फर्क क्या पड़ता, यहां पे आउटसाइड होता, यहां पे क्या होता इनसाइड होता, लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्स की संख्या Q1 और Q2 के लिए सेम होती अगर Q1 का मॉडल्स Q2 के मॉडल्स के क्या होता है बराबर होता। ये पहला था। नंबर 2 देखते हैं सर। आइए सर नेक्स्ट पार्ट, सर नेक्स्ट पार्ट में कहा गया सर Q1 > 0 एंड Q2 > 0 इन विच सर Q1 > Q2। अब सुनिएगा सर, Q1 > this सर जी मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये भी कैसा बोलो पॉजिटिव है। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए सर, देखिए सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज कितना हो गया पॉजिटिव। आइए जरा रफ फर्क, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अगर आपने लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ध्यान से सुनना, यह डायरेक्शन Q1 के लिए तो ठीक है लेकिन Q2 के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि Q1 से आउटसाइड है, करेक्ट है, लेकिन वो Q2 के लिए इनसाइड हो गया, इसलिए डायग्राम क्या हो गया गलत हो गया। मतलब लाइन ऑफ फोर्स से पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकती, इसलिए भाई साहब ये तो हम इस्तेमाल कर ही सकते सर। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं सर। ये देखिए दिस इज Q1 एंड दिस इज कितना लिखा गया Q2। अब देखना सब ने ड्रॉ किया लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ये देखिए कुछ ऐसे बनाया This one. और ध्यान रखना दो लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको यह जानना है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक वहां पर क्लियर करूंगा क्यों नहीं कर सकती, राइट। फिलहाल ध्यान से देखिए, सो लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से बाहर निकली कट नहीं कर रही है। सवाल यह उठा भाई अगर इस पॉइंट यहां पर डॉट लगा दिया जाए Q1 की लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज्यादा डिस्टेंस तक गई, Q1 Q2 की कम, क्यों?
क्योंकि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन एक्ट करेगा लेकिन चूंकि Q1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए उसका डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द Q2 ज्यादा होगा, जबकि Q2 का टुवर्ड्स द Q1 क्या होगा, कम होगा, राइट। और सुनो, उसके बाद लाइन ऑफ फोर्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां देखे सर, 1, 2, 3, 4 बना के छोड़ दिया। ध्यान से देखो, क्या ये पॉजिटिव है, यस। क्या ये पॉजिटिव है, यस। सर यहां पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस की संख्या ज्यादा है, यहां पे क्या कम है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि अमाउंट क्या है, कम है। कुल मिला के बात यह है भाई कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो जो डायरेक्शन आपका आउटसाइड हो क्या हो जाएगा, आपका इनसाइड रहेगा। हाँ, अगर दोनों के अमाउंट सेम होते, यहां पे भी अगर दोनों का अमाउंट सेम होता तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल इन बिटवीन क्या होता, सेम होता, दोनों की लाइन ऑफ फोर्सेस सेम डिस्टेंस तक क्या करती, ट्रेवल करती, और साथ ही साथ जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस यहां होती उतनी लाइन ऑफ फोर्सेस आपकी यहां पे होती। समझ में आ गया? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर द टू चार्जेस हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकती। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ बातें हैं सर। सर नाम है सर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है एब्साइलम। इसका सिंबल क्या होता है भैया? एब्साइलम, एब्साइलम। देखो परमिटिविटी रिलेटेड टू परमिटेंस, मतलब आर पार निकल जाना, और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर सकती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, परमिटिविटी मतलब परमिटेंस, मतलब आर पार निकल जाना। तो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर जाती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, जैसे एयर में और वाटर में, वाटर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एज कंपेयर टू एयर आसानी से क्या करती है, ट्रेवल कर जाती है। सो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वाटर की परमिटिविटी एज कंपेयर टू एयर क्या होगी, ज्यादा होगी सर, राइट। परमिटिविटी इसका सिंबल होता है एब्साइलम। क्या होता भैया? एब्साइलम। अब सुनना, हमने लिखा एब्साइलम नॉट, नॉट मतलब मीडियम नहीं है, तो फिर क्या है, फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, इन तीनों को सेम माना जाता है, इसको मीडियम नहीं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मीडियम। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मीडियम। ओके, तो लिखा गया फ्री स्पेस, एयर एंड वैक्यूम, इसके लिखा लिखा जाएगा एप्सिलॉन के नीचे नॉट। सर जी इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10^-12 इंटू 10^-12 सर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एरिया, वैक्यूम सर होती है 8.854 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये फ्री स्पेस, एरिया, वैक्यूम की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास आउट हो जाती है। अब आया, सिर्फ लिखा गया एब्साइलम, तो यह लिखा गया ओनली फॉर मीडियम। मीडियम कौन कौन से भाई? लाइक वाटर, लाइक माइका, लाइक क्वार्ट्ज, लाइक पीवीसी, लाइक ऑयल, लाइक वैक्स, ठीक है सर, ईटीसी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है सर। वाटर है, माइका है, क्वार्ट्ज है, पीवीसी है, ऑयल है, वैक्स है, ये सब के सब मीडियम कहलाते हैं। इनके थ्रू भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर सकती हैं, बट इनकी परमिटिविटी के लिए सिंबल क्या होता है? एब्साइलम होता है। आप वाटर लिखना है, लिखोगे एब्साइलम H2O, लिखोगे एब्साइलम H2O। अगर लिखना है लिख देंगे माइका, लिखना पीवीसी तो लिखेंगे पीवीसी। इसका मतलब अगर एब्साइलम के नीचे नॉट लग गया तो वो परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम की है, और अगर नॉट हटा के कोई और चाहते हो तो आप उसका नाम लिख दो, वो बन जाएगा उसकी परमिटिविटी। सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेस ट्रेवल कर सकती हैं, राइट है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर नॉट लग गया तो फ्री स्पेस, एरिया, वैक्यूम के लिए होगा, और अगर नॉट हट गया तो इनमें से किसी एक मीडियम के लिए होगा, राइट। अब जो अगला पॉइंट है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। यस सर, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी
सर इसका सिंबल एप्सिलॉन आर या फिर के होता है, कैपिटल के। जी सर, एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के। रिलेटिव डेंसिटी तो पढ़ा होगा आपने सर क्लास 11th में, लिक्विड वाले में। तो अगर किसी भी मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, किसी मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती थी तो हम उसे वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर लेते थे। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना। यहां भी ऐसे ही है, यहां भी ऐसे ही है। जैसे मैं समझाता हूं आपको सर, अगर मान लो आपको निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। क्या लिखा मैंने? मीडियम। अगर आपको निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम तो आपको निकालना पड़ेगा सर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से सुनना सर, अगर आप किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहते हो तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी में फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करना होगा। जो आएगा उसे क्या कहोगे आप? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर इसका सिंबल एप्सिलॉन आर या के है, ध्यान रखना यहां पे के कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं चलेगा। सर जी मीडियम के लिखा गया एप्सिलॉन और इसके लिखा गया एप्सिलॉन नॉट। जी सर आगे लिखा गया यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? रेशियो है। लाइक ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं आपसे कहूं भाई हमें निकालना है, यहां सुनना, कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सर वाटर। मान लो हमें निकाला रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्या किया बालक आपने? सर जी जहां मीडियम था वहां पे मीडियम है, मतलब अगर यहां पे वाटर हुआ तो यहां पे क्या करोगे आप? वाटर। तो आप लिखोगे एप्सिलॉन H2O, नीचे हमेशा स्पेस ही लिखा जाएगा, राइट। अगर परमिटिविटी ऑफ वाटर में फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया जाए तो जो आएगा उसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू लगभग AC80 के बराबर होती है। इसका मतलब वी कैन से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो गया? 80। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो गया भाई? 80 हो गया। अगला सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालना है, फ्री स्पेस, ध्यान सुनो, मैंने बोला हमें निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरी गुड। आपने मीडियम की जगह पे क्या कर दिया? फ्री स्पेस। ध्यान सुनना, मीडियम था मीडियम, इस बार फ्री स्पेस से लिखोगे फ्री स्पेस, नीचे तो फ्री स्पेस होता ही है, कट के कितना आ गया? 1। वो तो होना था भाई, अगर आप खुद को खुद से कंपेयर करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो बेटा ध्यान से सुन, रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हमेशा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही होता है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज होता है। जिसकी भी रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी होगी आपको न्यूमरेटर में उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखनी होगी और उसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करनी पड़ेगी सर। तो जो भी आएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आ जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा भाई मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालनी है तो नीचे तो फ्री स्पेस होगा ना, ऊपर भी फ्री स्पेस लिखना पड़ेगा, कट के कितना जाएगा? 1। वो तो होना था, अगर आप खुद को खुद से कंपेयर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। दैट्स व्हाई वी कैन से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 80 एंड फ्री स्पेस इक्वल्स टू 1। तो व्हाट मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। चूंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इज डायमेंशनलेस, दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस, राइट बच्चों। अब एक छोटी सी बात है, क्या बात है भाई? सर क्वेश्चन है सर, कहा गया परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 80, सो वॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर? हां जी क्वेश्चन यही है कि अगर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है भाई तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी? आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो अभी क्या पढ़ा आपने, परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो क्या लिखा था आपने ऊपर? H2O डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा अगर आपको H2O की परमिटिविटी निकालनी है तो लिखा गया K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यस सर 80, और ये होता है 8.854 इनटू 10^-12, राइट सर। क्या आएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो देखो दो वर्ड था, एक तो परमिटिविटी एंड दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नाम में छुपाया, परमिटिविटी
एक तरह से आप इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हो या परमिटेंस कह सकते हो। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो किसी मीडियम से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का जो पास होना होता है ना, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। राइट है। एक छोटी सी बात बताते हैं, एयर और वाटर। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है और वाटर की कितनी बच्चे 80 है ना। क्यों भाई, वाटर की ज्यादा क्यों है? तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं सर। वे तमाम मीडियम्स जो अपने आयंस में आसानी से डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, पढ़ाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें करंट पास करने पे कोई लिक्विड अपने आयंस में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने बोला कि अगर कोई मीडियम अपने आयंस में जितनी जल्दी या जितना आसानी से डिसोसिएट हो जाता है भैया जी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया। इसीलिए सर वाटर और एयर, ध्यान से देखो, वाटर अपने आयंस में आसानी से डिसोसिएट होता है एज कंपेयर टू एयर, दैट्स व्हाई उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगला देखो, ड्राई एयर एंड ह्यूमिड एयर। सर ह्यूमिड एयर की के वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो अपने आयंस में आसानी से क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको याद रखना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स के लिए वैसे तो दिया जाता है, बट मान लो ना दिया और जरूरत पड़े, तो ज्यादातर वाटर के वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप उसका इस्तेमाल 80 कर सकते हैं। 80 अगर उनको जो देना होगा देंगे, कोई कोई एग्जाम में 81 भी दिया होता है, बट जनरली लोग 80 का इस्तेमाल करते हैं, तो हम 80 से सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आइए जरा समझते हैं सर। उसके लिए जरा आपको कुछ बातें समझाऊंगा, यहां ध्यान से देखिएगा जी। क्लास 11th आपको पढ़ाया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद करो, M1 M2 दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट हैं। उन्होंने कहा था कंसीडर टू पॉइंट मासेस विच आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। तो न्यूटन साहब ने बोला था इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, इन दोनों को कंबाइन किया गया तो साथ लिखा गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद इसे हटा के कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया कैपिटल जी, सो लिखा गया M1 इनटू M2 बाय R का स्क्वायर। आपको पता है कैपिटल जी का सबसे पहला नाम था न्यूटन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। न्यूटन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि न्यूटन साहब ने प्रोपोर्शन को हटा के कांस्टेंट दिया। बाद में इसका नाम चेंज किया गया, नाम लिखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू दी गई 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इधर आइए, हम पढ़ रहे हैं सर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ये पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने देखा हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से अपार्ट है। वहां क्या गया कंसीडर टू पॉइंट मासेस, या लिखा गया कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस। सर अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो भैया अट्रैक्शन रिपल्शन तो हम देख के बता सकते हैं कि लाइक है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सुनिए, तो कूलम साहब ने कहा भाई दो पॉइंट चार्जेज हैं एक दूसरे से आज डिस्टेंस अपार्ट, फ्री स्पेस एरिया वैक्यूम में रखे गए, तो देखा गया इनके बीच जो फोर्स लगा सर वो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। सर आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Q1 इंटू Q2 का मॉडुलस, या इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ Q2 भी लिखा जा सकता है। उनके कहने का मतलब यह था भाई यह चार्ज पॉजिटिव है यह चार्ज नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना भाई, हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है, उनका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब इनके बीच चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो चार्जेस के अमाउंट मतलब वैल्यू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल। इसलिए मैंने स्टेप लगा दिया Q1 इंटू Q2। यस सर, यहां देखो M1 इंटू M2, यहां क्या हो गया Q1 इंटू Q2।
सर कूलम साहब ने भी बोला, सर इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या इनवर्स स्क्वायर है? यस, आगे जोड़ा गया यूनिवर्सल, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहे को भाई यूनिवर्सल क्यों बोला गया? क्योंकि भैया जी तीन फील्ड होती है, पहला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका फोर्स इसको फॉलो करता है, दूसरा पढ़ रहा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फोर्स भी इसको फॉलो करेगा, और तीसरा था मैग्नेटिक फील्ड, उसका फोर्स भी इसी लॉ को फॉलो करता है। चूंकि ये लॉ यूनिवर्सल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इनवर्स स्क्वायर लॉ। भैया हमने फिर इनको पहले और दूसरे को आपस में जोड़ दिया, जैसे वहां लिखा था, तो लिखा मैंने एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन और इनटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब मेरे को जगह की जरूरत है, इसलिए बेटा मैं इतने हिस्से को मिटा देता हूं। ओके सर, और इसको मिटा देता हूं सर, एक मिनट। जी सर इधर आइए। ओके बच्चों, सर इसे हटाया गया और कांस्टेंट लगाया गया, इसे हटाया गया और कांस्टेंट लगाया गया, और सुनो कांस्टेंट लिखा गया स्मॉल के, डोंट राइट कैपिटल के, बिल्कुल नहीं भाई। बहुत सारे टीचर लोग इस कांस्टेंट को कैपिटल के लिखते हैं, अगर कैपिटल के लिख दो भाई सो, तो कैपिटल के को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एनसीईआरटी हो चाहे एससी वर्मा सर हो, उनके बुक में देखेगा सर, वो हमेशा स्मॉल के का ही इस्तेमाल करते हैं, मेरा स्मॉल के ऐसे ही बनता है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल के, और फिर लिखा गया क्यू वन और इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो बेटा, स्मॉल के इसका नाम लिखा गया कूलम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यस सर, कूलम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक बार मेडिकल एंट्रेंस से पूछा गया था, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब वो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहते थे। कूलम साहब ने इसकी जगह लिखा वन ओवर फोर पाई एब्साइलम नॉट। ध्यान से सुनना, वन ओवर फोर पाई एब्साइलम नॉट। वाई एब्साइलम नॉट? क्योंकि आपने बोला ना इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम फ्री स्पेस एरिया क्या है? वैक्यूम। तो कूलम साहब ने कहा आप इस कांस्टेंट की जगह पे ये पुट कर सकते हो, और उन्होंने इसकी वैल्यू बताई थी 8.89 इनटू 10^9, जिसे बाद में लोग पूरा लिखते हैं 9 × 10^9। एक्चुअल में कूलम साहब ने सर वन ऑफ फोर पाई की वैल्यू दी थी 8.89 × 10^9। हम इसे फुल फिगर में लिख देते हैं, राउंड फिगर में कितना, 9 × 10^9, 9 × 10^9 सर जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम यहां पुट कर दें ऐसे, तो लिखा गया वन ऑफ फोर पाई नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सर कब? व्हेन क्यू वन एंड क्यू टू आर इन एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम। यस, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब उन दोनों चार्जेस के बीच क्या होगा, फ्री स्पेस एरिया क्या होगा, वैक्यूम होगा। इट मींस व्हेन द टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू आर प्लेस एट आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इच अदर इन फ्री स्पेस एरिया वैक्यूम, तो उनके भी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा वन ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई कितना बोलो, आर का स्क्वायर। लेकिन भाई आगे भी तो हो सकता है, क्या सपोज करो मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी मीडियम का इस्तेमाल कर लिया, जैसे वाटर, जैसे क्या किया वाटर। अगर ये दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ जाए तो लिखा गया फोर्स इन मीडियम। ध्यान से देखना, मैं लिखा वन ऑफ फोर पाई एब्साइलम, दिस इज क्यू वन और इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब फ्री स्पेस था तो क्या लिखा मैंने, नॉट। अब फ्री स्पेस तो यानी मीडियम है, तो मैंने नॉट हटा के क्या लगा दिया, एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन के लिए क्या हो गया, मीडियम। लेकिन बेटा आपको क्या पढ़ाया गया था, के दैट्स इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भैया जी हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बोलो, के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब लिखा गया फोर्स इन मीडियम, अब लिखा गया सर वन ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दिस इज क्यू वन और इंटू क्यू टू बाई कितना बोलो, आर स्क्वायर। क्या किया सर मैंने, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया वन ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ऐसे पढ़े कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस अपार्ट रखे गए, उनके बीच कोई मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा वन ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस इज कैपिटल के, ध्यान रखना
इसीलिए यहां पे कैपिटल के नहीं स्मॉल के लिखा जाता है। वन ऑफ फोर सेल नॉट के क्यू इंटू क्यू टू बाई आर का स्क्वायर, जहां पे के रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो चार्जेस के बीच है। अगर वॉट है तो पुट क्या कर देंगे 80, एंड वन ऑफ फोर सेल नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9^9। और अगर मीडियम एयर हो गया तो के की वैल्यू कितनी, मैंने समझाया था ना फ्री स्पेस फॉर एयर, फ्री स्पेस एयर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1, पुट कर दीजिए, देखिए फ्री स्पेस के लिए आ गया। इज इट क्लियर? सो वी हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 व्हिच आर प्लेस एट आर डिस्टेंस अपार्ट इन अ मीडियम, देन द फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0K कैपिटल K Q1 इनटू Q2 बाय R का स्क्वायर, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट अगर उनके बीच का मीडियम एब्सेंट हो जाए, फ्री स्पेस एरिया वैक्यूम आ जाए, तो उसके लिए K वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दैट्स व्हाई द न्यू फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R का स्क्वायर, एंड 1/4πε0 को कहते हैं स्मॉल K, नाम होता है कूलम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10^9, जो एग्जैक्ट में होती थी 8.89 × 10^9 सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। राइट है, आगे की कहानी अब जरा समझिएगा, छोटी सी बात है, आइए नोट के फॉर्म में देख लेते हैं। भाई अभी आपने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, पहला यही था। अब जरा सीखिए सर, अगर मैं लिखूं फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, लिखते हैं सर, सर इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 दिस इज Q1 इनटू Q2 बाय R का स्क्वायर, एंड फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 इनटू कैपिटल K दिस इज Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा कैपिटल K। यस सर, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन भी होती है, एंड फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम भी होती है। अगर कहा जाए भाई किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में डिफाइन कीजिए, तो क्या करेंगे आप, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर परमिटिविटी के फॉर्म में करना है तो एप्सिलॉन बाय कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा जी? अब सुनिए सर, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, रुकिएगा जरा सर, जस्ट होल्ड, यस सर, हाँ जी एक क्वेश्चन आया सर, ये बच्चे ने भेजा उत्तराखंड देहरादून से, इनका नाम है राजेश विष्ट जी। इन्होंने पूछा सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कंडीशंस क्यों होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में ही क्यों लिया जाता है, ये इस बच्चे का क्वेश्चन है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिमिटेशन मतलब हम बात कर रहे हैं कूलम्स चार्ज। सर कहा गया चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन को क्लियर करके बताते हैं। पहली चीज सर बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो सर आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू एन इंटू ई, और एन जो इंटीजर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। अगर वो पॉइंट चार्ज है, बेटा ध्यान सुनना, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो उसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे आपने कहा यह Q1 है और आपने कहा यह Q2 है, दोनों पॉइंट चार्ज है, मतलब इसकी भी फील्ड होगी, मतलब इसकी भी फील्ड होगी। इसीलिए Q2 पे फोर्स Q1 की फील्ड की वजह से लगेगा, और Q1 पे फोर्स Q2 की फील्ड की वजह से लगेगा, और फील्ड कब होगी जब वो पॉइंट चार्ज होंगे। तो ध्यान रखिए पहली लिमिटेशन है कूलम्स लॉ के लिए कि चार्जेस पॉइंट के फॉर्म, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उनकी अपनी खुद की फील्ड होनी चाहिए। थोड़ा और एलिबरेट कर दूं सर जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस टू टाइप के होते हैं। पहला सर लिखा गया पॉइंट चार्ज, यस सर, पॉइंट चार्ज से स्मॉल क्यों या फिर कैपिटल क्यों, वही शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन ई, है ना, इनकी अपनी खुद की फील्ड होती है, मतलब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होती है, राइट। लेकिन दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन चार्ज या फिर होता है टेस्ट चार्ज, ऑब्जर्वेशन चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, जिसका सिंबल क्यू नॉट या डेल्टा क्यू होता है। अगर क्यू नॉट लिखोगे सर, इसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा होता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स को भी ब्रेक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारी CBSE, हमारा स्टेट बोर्ड या हमारा कंपटीशन उस पर्टिकुलर ब्रेकेज जो इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा उसके यहां पर फ्रीक से भी डेवलप नहीं हो पाई है। तो हमें तो यही पढ़ना बेटा ना कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता नहीं, जैसे केमिस्ट्री में देख लो
कहते थे ना एक एलिमेंट पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई चलेगा, दो इलेक्ट्रॉन है चलेगा, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन चलेगा, नहीं ना, कि इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीजर होगा, रिश्ते नंबर नहीं होगा। और इसी तरह से हम कहते हैं भाई एक मैटर पे आधा इलेक्ट्रॉन है, इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। तो कुल मिला के बात हुई सर, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से अगर छोटा चार्ज है बेटा तो उसकी खुद की फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। अगर खुद की फील्ड जीरो हो गई तो क्या वो अपने सराउंडिंग में आने वाले किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है? नहीं, इसका वो कूलम्स लॉ के साथ एप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसीलिए पहली लिमिटेशन यह थी, पहली कंडीशन थी कूलम्स लॉ की भाई कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए ताकि अपनी उनकी खुद की फील्ड हो। जैसे आपने बोला क्यों क्यों टू दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्जेज हैं, तो क्यों की फील्ड होगी, क्यों टू की भी फील्ड होगी, क्यों टू पर जो फोर्स लगेगा वह क्यों की फील्ड की वजह से लगेगा, और क्यों पर जो फोर्स लगेगा वह क्यों टू की फील्ड की वजह से लगेगा। अब क्लियर हुआ पहला। बच्चे ने पूछा, इन्होंने बिस्ताब ने, राजेश बिस्ताब ने देहरादून उत्तराखंड से पूछा इन्होंने कि सर रेस्ट में ही क्यों होना चाहिए? मैं बताता हूं सर, देखो अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर आपने चार्ज को मोशन में कर दिया तो आपको बताया गया ना बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। यस, अगर आपने चार्ज को मोशन में कर दिया तो बेटा करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई भाई, जबकि कूलम्स लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी दैट द बोथ चार्जेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ मस्ट बी एट रेस्ट, उसे रेस्ट में होना चाहिए ताकि उनकी खुद की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड ना होने पाए। तो आज मैं अपनी यहीं पे खत्म करता हूं। मैं इसी तरह से आप मैं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाइड्रोजन एकेडमी यमुना विहार दिल्ली में, आप इंक्वायरी में जाएं, कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं जी के श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर हमेशा आपके सेवा में रहूंगा सर, आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। हाइड्रोजन एकेडमी यमुना विहार से है, ठीक है, सिर्फ नाम ही काफी है, टीचर्स आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी क्वालिफाइड। तो आप अपने किसी भी क्वेश्चन का, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं सर, आप अपने केमिस्ट्री, अपने मैथ्स, अपने बायो, किसी भी डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अंत में फिर हैं और भी सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे, कहते हैं हाइड्रोजन एकेडमी का अंदाज़े बयां, और सिर्फ नाम ही काफी है हाइड्रोजन एकेडमी। धन्यवाद।